Good morning, dear student. Lesson number 6, part 2, आज हम पढ़ेंगे. तो जैसे हमने देखा कि जो वाला केसरिया है वो जा रहा था, तो रास्ते में देखा उसने कि कुछ लोग एक इंसान को परेशान कर रहे हैं. तो पूछता है वो कि भाई कितने पैसे आपको लेने हैं, बराबर है? तो सेठ बोलते हैं 500 रुपये. तो दूसरी क्षण एक पड़ ने बीजी पड़े केसरिया केड़ी थी वासड़ी ने वासड़ी छोड़ी मुड़ाना पति का जो 500 गणी दीदा, मतलब 500 रुपये उसने उसको दे दिए. ऊपर थी फरिश्ते उतरे हो एवं जुवान जुवान मराठा ने लगे, मतलब ऊपर से कोई देवदूत आया हो ऐसा युवान मराठा को लगा. प्रामाणिकता की पछड़ी ऊपर पग दैनिक जीवता युवान मराठा राघुबा फाटी आके वागा केसरिया ने जोई रहा. प्रामाणिक मतलब ईमानदारी के ऊपर पग रखकर युवान मराठा राघोबा वो विस्मयता के साथ में, आश्चर्य के साथ में वो बालक केसरिया को देखते रहे. सदाई कुमारी में तरबोल रहना राघोबा ना मन में काठियावाड़ी पगड़ी वालों कोतराई गयो. सदाई अपनी कुमारी में रहने वाले राघोबा के मन में ये काठियावाड़ी पगड़ी वाला वो कोतराई गया, मतलब याद रह गया उसको. तुम्हारू नाम पूछ रहा है क्या? आपका नाम नाम भगवान ने काम भगवान, नाम भी भगवान का और काम भी भगवान का. बोली ने घोड़े चली ने हलवा की तैयारी करता केसरिया ना घोड़ा ने बात पकड़ी ने जुवान मराठो बोलियो. ऐसा बोलकर घोड़े चढ़ी ने चलते जाने की तैयारी करते हुए घोड़े की बात पकड़कर, मतलब वो चमड़े की दोरी होती है वो पकड़ पकड़ जुवान मराठा बोला, तमारू नाम ठाम न आपो तो तुमने मारा छोकरा ना समझे. क्या आप आपका नाम और एड्रेस नहीं बताओगे तो आपको मेरे बच्चे के सौगंध है. लाचार बनेला वाला है बे बोल किता, दो ही बोल बोले उसने कि मारू नाम वालो केसरियो, मारू गाम करणी अने अमरेली परगना, मतलब मेरा नाम वाला केसरिया है और मेरा गाम करणी और अमरेली परगना का हूँ. लियो रामे राम, मतलब मैं जा रहा हूँ. बोली ने वाला घोड़ा ने हाँ की, मतलब कि वहाँ से चला गया. मराठा ना छोकरा ना आंसू लूची ने निकलेला केसरिया रनोली में एक घोड़ा ने वेची ने वाट खर्ची काढ़ी ली थी. तो मराठा के बच्चे के आंसू पोछ कर निकला हुआ केसरिया ने, क्योंकि 1000 रुपये लेके निकला था, 500 रुपये खर्च हो गया था और 500 रुपये इधर मराठा को दे दिया था, तो अभी उसके पास कुछ नहीं था. तो रनोली में उसने एक घोड़ा बेच दिया और अपने रास्ते का खर्च निकाल लिया. बात पर डोट ड्राई को घोड़थोलिया खाई गई, मतलब कि 15 साल बीत चुके थे इस बात को. गर्णी का माथे प्रभातना तेज पथरावा मांडया है, मतलब कि सुबह हो गई है. कर्णिका ना लीला कुंजर काठा पर बैठेला भगवान गणेश्वर ना मंदिर में ब्राह्मणों ना मंत्रोच्चार गूंजी उठ्या है, मतलब कि कर्णुकी नदी के किनारे पर एक भगवान का मंदिर है गणेश्वर मंदिर, वहाँ पर ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार हो रहे हैं. खिले थी छुट्टी ने ढोर धर्मा जा रहा है, खिले से छुटकर ढोर है वो चारा चरने के लिए जा रहे हैं, मतलब सुबह का टाइम है. बराबर एवे टाने गाम में माँ अमरेली ना 10 घोड़े सवार दाखिल थे. बस उसी समय पर, ऐसे समय पर अमरेली से 10 घोड़े सवार वहाँ पर एंटर हुए. कदावर काया राजना पोषक माँ ढंकाई थी. कदावर मतलब वो लंबे चौड़े हैं, रुष्ट पुष्ट हैं और वो राज के पोशाक पहना हुआ है, यूनिफॉर्म पहना हुआ है, उसमें उनकी जो काया है वो ढक गई है. दरेक ने खभा में जामनगरी झंझाड़ियों झूलती आवे छे. मुँह पर पंथ काफे की धूनी झणू रहली छे, मतलब उसके मुँह पर दिखता है कि वो बहुत दूर से आए हैं, क्योंकि उनके मुँह के ऊपर जो रास्ते में उड़ती धूल है उसके धूल चिपकी हुई है. आँखों में रताश उठेली छे, मतलब गुस्से में है वो. माथा ऊपर सापाना खाकी छोका पवन में पग पगी रहा है और सिर के ऊपर वो सफेद के ऊपर जो छोका होता है, मतलब मोर पंख जैसा वो हिल रहे हैं. अणधारे राजना सिपाही गाम में आवेला भाड़ी माणसों हेपताई गया. अणधारे मतलब बिना धारणा के रात के सिपाही जो गांव में आए हैं वो देखकर गांव वाले वो हेपताए गए, मतलब आश्चर्यचकित हो गए. वाला केसरिया नाम ना माणस क्या रहे थे, सिपाही पूछू. वाला केसरिया नाम का इंसान कहाँ पर रहता है, एक सिपाही ने पूछा. बापू आथमना बारनू खोरडू कड़ाई ई एनू, क्या बोल रहे हैं वो? आथमना मतलब पश्चिम दिशा का जो मकान दिख रहा है
कढ़ाई मतलब दिख रहा है वो उसका है। आखना पलकरा में घोड़ा वाला डेली आगे आने उभा रहा। आखना पलकरा मतलब थोड़ी देर में वो घोड़े जो है वो वाला के सिरे के घर के आगे आके खड़े हो गए। पग पछाड़ता अभी घोड़ा ऊपर आरूढ़ थैला असवाना सरदार डड़क दी, मतलब उन लोगों ने आवाज दी कि वाला केसरिया बाहर आ गए थे वो, उन लोगों ने आवाज दी कि वाला केसरिया दी उग्या में अजाण्यो साथ सामने। मतलब अभी तो दिन की शुरुआत हुई है और अजाण्या मतलब जिसको हम पहचानते नहीं उनका आवाज सुनाई दिया। પણ દાતણ પાણી પરવારી ઓસરીને કોરે બેસી ભગવાન સુરતની સ્તુતિ કરતા વાલાએ જવાબ ન દીધો। લેકિન ક્યાં કર રહા થા યે વાલા કેસરિયા, તો દાતણ પાણી કરકે સબ વો એક જગા પર ઓસરીની કોરે કોરે મતલબ કોર્નર પે બેઠકર કોને મેં બેઠકર વો ભગવાન સુરત નારાયણ કી સ્તુતિ કર રહા થા, ઇસલિયે ઉસને આન્સર નહીં દિયા। ત્યાં તો બીજો સાથ સંભળાવો, ઉતની દેર મેં તો દૂસરી આવાજ સુનાઈ દી, વાલા ઘરમાં હૈ, વાલા ઘરમાં હૈ ક્યાં। બીજા સાથે પછવાડાના વાડામાં વાસુદેવ કરતા કેસરેના ઘરવાળા આવીને બોલ્યા, દૂસરા સાધુ હુઆ તબ જો કેસરે કી પત્ની થી ઉન્હોને પીછે સે આકે બોલા કે છે તો ઘરમાં, મતલબ હૈ તો ઘર કે અંદર હી, પણ રાજના સિપાહીને જોઈને આઈ જરા વિચારમાં પડી ગયા। લેકિન રાજ કે સિપાહી દેખકર એ થોડે વિચાર કરને લાગ્યા। સાત પેઢીમાં એ રાજના સિપાહી આ આંગણે આવ્યાનું જાણ્યું હતું। સાત પેઢીમાં બી રાજ કે સિપાહી યહાં પર એ ઘર કે આગે આયે નહીં એસી જાનને મેં નહીં હૈ, એસા કુછ યાદ નહીં આ રહે, આ શું મતલબ યે ક્યા ક્યું બોલતા નહીં, મતલબ કેમ બોલતા નથી। વાલાની માળા પૂરી થઈ ગઈ, ઉઠીને ડેલી આવ્યો। અભી વાલા જો ભગવાન કી પૂજા કર રહા થા વો ખતમ હો ગઈ ઓર ઉઠી वो उठ कर वो आ गया है। आओ बाप आओ, मतलब वेलकम किया उसने। तुम्हारा नाम वाला केसरिया? हाँ बाप, हूँ तो वाला केसरिया, मतलब मैं ही वाला केसरिया हूँ। तुमको अभी ने अभी सुबह ने अमरेली बुलाया है, तुमको अभी ने अभी सुबह ने अमरेली बुलाया है, मतलब आपको अभी के अभी अमरेली आना है। मैंने वाला केसरिया पूछा कि मेरे को तुमको सुबह का फरमान है, तुमको सुबह का फरमान है मतलब आदेश है, हुक्म है, अभी ने अभी वाला केसरिया को हाजिर करो, मतलब अभी के अभी वाला केसरिया को इधर हाजिर करो अमरेली में। अरे बाप का भूल थती लागे, अरे आपसे कुछ गलती हुई है ऐसा लग रहा है मेरे को। हूँ तो घोड़ा नो सौदागर, मतलब मैं घोड़ा को बेचने वाला हूँ। सुबह मैंने तेड़ावी मान्या में नहीं आऊँ और सूबेदार मेरे को बुलाए ये मेरे मानने में नहीं आता। मैं कहीं राज तो घनो करो नहीं और मैंने कोई राजा का गुना नहीं किया है, दोष नहीं किया है, कुछ गलती नहीं की है। फरमान है चलो, मतलब आदेश है, इसके लिए आपको चलना ही पड़ेगा। सिपाही यहाँ कर रही गए, मतलब उसको सिपाही ने गुस्से से कहा, हालो बाप कहीं राजना तेनाना पाछू थोड़ी ठेला से, मतलब कि चलो राजा ने बुलाया है तो उसको वापिस थोड़ी भेज सकते हैं। वाले कसवाड़ू केड़ियों पेरू माथे पागड़ी मुकीने सिपाही साथ घोड़े चढ़े, मतलब कि उसने कपड़े पहनकर उस सिपाही के साथ में घोड़े पर सवार हो गया। जोत जोता જતા જતા એને કહેતો ગયો કે સાંજે પાછો વળી આવીશ, ઉપાધિ કરતા નહીં, શામ કો વાપિસ મેં આ જાઉંગા, મેરી ચિંતા મત કરના, જગદંબા તમારી ભેર કરે, મતલબ જગદંબા માતાજી આપકી રક્ષા કરે। બપોટાણે વાલા કેસરિયાને લઈ સિપાહીઓ સુબાની કચેરીમાં આવી પહોંચ્યા। દુપહેર કે સમય મેં કેસરિયા કો લેકર સિપાહી વો સુબહ કી કચેરીમાં આ ગયે। કાગડોળે રાહ જોતા સુબાએ વાલાને પગથિયા ચડતો જોઈને તોટ મૂકી। કાગડોળે મતલબ બહોત ઇંજાર बेसब्री से इंतज़ार करते थे वो, तो जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था वो देखकर उन्होंने सामने दौड़े। वो भी आओ आओ केसरिया बोलता बात भरी ली थी, मतलब कि उनको गले लगा लिया। वाला केसरिया घड़ी मुंजाणो, घड़ी बार मुंजाणो, मतलब उसको आश्चर्य हुआ ही कि आ तो सुबह मारी ठेकरी करे छे, कि मतलब ये मेरी मश्करी मेरा मजाक कर रहे कि क्या। बावड़ू पकड़ी ने पड़के पड़क गादी माथे बेसाड़ी सुबह बोलियो, केसरिया मने ओळख्यो। बावड़ू पकड़े मतलब हाथ पकड़कर अपने बाजू में ही बिल्कुल गादी पर बिठाया और बोला कि मेरे को पहचाना केसरिया। मन में थे सुबह ना मन में कई गेर समझ लागे छे, पण ठरेल दिलवाड़ो कशु बोलियो नहीं। उसको हुआ मन में कि भाई इसको कुछ गलती हो गई है, मिस्टेक हो रही है इनसे, पर ठरेल दिल मतलब शांत दिल वाला वो कुछ बोला ही नहीं। मूंगा થઈ બેઠેલા વાલાની ભરી કચેરીમાં તારીફો માંડી, સુબો બોલ્યો વાલા કેસરિયા તું તો મારું આબરૂનો રખેવાળ છો,
उन्होंने तारीफ की शुरुआत की कचर भर कचहरी में कि वाला तो मेरे आबरू के रखेवालो हो। ते दिवसे केड़ी थी वासणी वासणी छोड़ीने 500 रुपया चुकवा न हो तो अमरेली नो शुभ न होत। उस दिन आपने आपके पास से 500 रुपये मेरे को नहीं दिए होते तो मैं आज अमरेली का सूबेदार नहीं होता। हवे मनो उठ्यो, अब मेरे को पहचाना क्या? हूँ राघोबा, मैं राघोबा हूँ, आज अमरेली नो शुभो छू, तारी सी कदर करो। आज मैं अमरेली का सूबेदार हूँ और तेरी क्या कदर कर सकता हूँ, क्या सेवा कर सकता हूँ। मारी कदर मारे मोटे बोलाव एटले हो एटले शू? तमे मारी कदर मारा मोटे बोलाव छे एटले शू, मतलब क्या? अरे हूँ शेर शुद्ध मराठो, मैं शेर शुद्ध मराठा हूँ। कदर करवानो वक्त आवे ने कदर कर्या वगर रहूँ तो मलक मने फट काय, मतलब कि मैं शुद्ध मराठा हूँ और कदर करने की समय आए और मैं सामने वाले की कदर न करूँ तो ये मलक मतलब एक प्रदेश मेरे को क्या बोलेगा, फट काय, मतलब कि गलत सोचेगा मेरे बारे में, मांगी ले कैसे रहे, मतलब तू मांग ले मेरे से। वडोदरा राजधा मारी माथे चारे हाथ छे, बड़ौदा के जो राजा है उसके मेरे ऊपर चारों हाथ है, मतलब रहम दृष्टि है मेरे ऊपर। राजमा मारो पड़े बोल छिलाए छे और राज में मेरा पड़ा बोल छे, मतलब मेरी आज्ञा का पालन होता है। अमीरात में उछरेला केसरे ने जीभ ने टेरवे मांगवाना बोल आवे है। अमीरात में उछरे हुए मतलब श्रीमंत थे वो, बराबर है, तो केसरे ने जीभ टेरवे बोलवा मांगवाना बोल आवे, मतलब उन्होंने कुछ नहीं मांगा। एला तांबा नो पत्रो लाओ, सिपाहियों को बोलते कि तांबे का पत्रा ले आओ। कचरे ना कपट माथी तांबा नो पत्रो हाजर थो, तांबा का पत्रा हाजर हो गया, मतलब वहाँ पर ले आए। एमा लेख मंडाणो मतलब लिखने लगे। गायकवाड तांबा नो गरणी काम वाला केसरे ने यवचंद दिवा करो बख्शीश, मतलब गायकवाड तांबा नो मतलब कि उनके हस्तक जो गरणी काम है वो वाला केसरे को सूर्य और चंद्र हो वहाँ तक भेंट है, बख्शीश है। तिथि तारीख ने राजनी मोहर लगी, उसमें तिथि भी लिखी डेट भी लिखी और राज का मोहर भी स्टैंप भी लग गया। राघवाए हुक्म कर केसरे ने मान मर्तबा सहित गरणी पुकारो, और क्या हुक्म किया कि मान पान के साथ में उनको गरणी काम वापिस पहुँचाओ। आजे पण वाला केसरे ना वंशज जो अमरेली जिला गरणी काम में वसे थे, आज भी वाला केसरे के जो वंशज है वो अमरेली जिला के गरणी काम में बसते हैं। शब्द समझूती तो कुंजार झाड़ तेमज वनराजनी थी कटादार, रूड़प एट के सुंदरता, ओल दोल एट दिलावर, वासणी एट के सिक्का साचवी राखवानी पट्टा जेवी कोथड़ी, खपतो एट के वेचातो, वारखरती एट मुसाफरी दरमियान खर्चवाथी खर्चवानी रकम, जातवंत मतलब ऊंची खानदान औलाद, वेगड़ू मतलब जुदू अलग, पाणीपंथा मतलब पूरना पानी में झड़पे दौड़नारा, रांगवाड़ी मतलब सवारी करी, खोराकी मतलब जीवन जरूरियात, किरस्तो मतलब देवदूत पैगंबर, जंजाड़ी मतलब बंदूक, जोगाण मतलब घोड़ा बड़द वगैरह खावानो अनाज खाण, भली भात मतलब सारी रीते, बोकासा मतलब राड बूम, टाप एटले फौज, मस मतलब लाचारी, खेस मतलब खपे नाखवानो वस्त्र, वात मतलब चामड़ानी दोरी, धण मतलब टोड़ू गायों समूह, झण एट झीणी रचकण, साफो मतलब फेटो, बार मतलब दिशा, कड़ाव मतलब देखाव, वासीदू मतलब ढोर ना छाण साथ कचरो, फरमान मतलब आदेश हुकम, घनो मतलब घुनो वाक, भेर मतलब मदद सहाय, कस वालू केड़ियो मतलब बटन ने बदले वपराती दूरी वालू अंगरखो, ऊपर जो पहनते हैं वो, उपाधि अही चिंता, तारीफ वखाण प्रशंसा, सूबो मतलब इलाका के प्रांत नो सूबेदार, उपरी लेख मतलब करार दस्तावेज, यावचंद दिवा करो मतलब सूर्य ने चंद्र हो त्या सुधी, बक्षिश मतलब भेट, मान मर्तबा मतलब मान मोको, रूढ़ी प्रयोग उड़ी ने आँखें वड़गू मतलब तरत ध्यान पर आवु, मीट मानवी मतलब नजर स्थित के करीने जोई रहू, मन ठरवू मतलब संतोष थवो गमी जवू, राम राम करवा हूँ विदाय लेव, कान सोरी ने दाढ़ी चढ़ाव मतलब सतर्क थी जाऊँ, घोड़ा ने घेर हो मतलब खूब नजीक हो, मन उठी जाऊँ मतलब अभाव आव, रस न रहो, नजर द्रोपवी मतलब नजर थी नजर मेलवी, मिजाज तरडावो मतलब अभिमान थवो, फाटी आँखे जोई रहो मतलब चंबा के विस्मय साथ जवु, आँख करड़ी थवी मतलब गुस्सा थी आँख लाल थवी, पड़ियो बोल झीलवो मतलब आज्ञा नु पालन करवू,
माथे चारे हाथ हुआ तो रहीम दृष्टि होगी।